सुप्रभात बच्चों, कक्षा दो के हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबको अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले यह जानेंगे अपठित गद्यांश क्या है। अपठित जो पहले ना पढ़ा गया हो। गद्यांश गद का अंश या छोटी कहानी भी हो सकती है। बच्चों, अपठित गद्यांश करने से पहले कुछ बातों पे ध्यान देने होते हैं। जैसे कहानी को दो बार या तीन बार पढ़ना, फिर उनसे पूछे गए प्रश्नों को कम से कम दो बार पढ़ना। प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन से ना ज्यादा लिख सकते हैं ना कम लिख सकते हैं, उनके उत्तर कहानी से खोजकर लिखने होते हैं। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। दादी जी का गांव शहर से दूर था। पहले वहां बसें नहीं जाती थी, पर अब सड़क बन गई है। गांव में बिजली आ गई है। वहां घास फूस के मकान हैं। वहां एक पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है, रात को बड़ों को पढ़ाया जाता है। वहां की गलियां साफ सुथरी है। ठंडी हवा काम करने वालों की थकान दूर कर देती है। बच्चों, फिर से ध्यान दें। दादी जी का गांव शहर से दूर था। पहले वहां बसें नहीं जाती थी, पर अब सड़क बन गई है। गांव में बिजली आ गई है। वहां घास फूस के मकान है। वहां एक पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है, रात को बड़ों को पढ़ाया जाता है। वहां की गलियां साफ सुथरी है। ठंडी हवा काम करने वालों की थकान दूर कर देती है। बच्चों, अब इससे इस कहानी से पूछे गए प्रश्न मैं बताती हूँ। प्रश्नोत्तर क, दादी जी का गांव कहाँ था? दादी जी का गांव शहर से दूर था। ख, पहले वहां क्या नहीं जाती थी? पहले वहां बसें नहीं जाती थी। ग, गांव के मकान कैसे थे? गांव के मकान घास फूस के थे। घ, गांव की गलियां कैसी थी? गांव की गलियां साफ सुथरी थी। अंग, विलोम शब्द। गांव का विलोम क्या होगा बच्चों? गांव का विलोम शहर होगा। रात का दिन, बहुत अच्छा। दूर का पास। अब मैं लिख कर बताती हूँ। दादी जी का गांव कहाँ था? दादी जी का गांव वहां क्या नहीं जाती थी? गांव के मकान कैसे थे? बच्चों, गांव के मकान कैसे थे? गांव के मकान घास फूस के थे। घ,
गांव की गलियां कैसी थी? गांव की गलियां साफ सुथरी थी। अंग विलोम शब्द, गांव का विलोम क्या होगा? शहर, रात का दिन, दूर का पास। बहुत अच्छा बच्चों। बच्चों आप लोग अपठित गद्यांश समझ गए होंगे, विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, आप लोग अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।